क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। 2017 से अब तक दिए हैं 7,000 लोगों को दिए, तो इसका अमाउंट हुआ 70 करोड़ हुआ, 70 करोड़। और ये कल्याणी लक्ष्मी के भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी हुए देने के लिए। ये इसका डेटा भी काफी है, इसके अंदर भी 86 लोग हैं और ये भी 9-10 लाख के करीब है। तो हमारे पास काम की बुनियाद पे वोट मांगा जा रहा है। और जो है ना, आप अवेसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल के बारे में तो मालूम ही है, उसके अलावा भी हेल्थ सेंटर्स है, जहाँ पर भवानी नगर हेल्थ सेंटर में काफी रोज 200 से 250 लोग आते हैं, जहाँ पर फ्री दवाइयां भी डिस्ट्रीब्यूट होती है और वहाँ पर अच्छे स्पेशलिस्ट आते हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट, स्किन के स्पेशलिस्ट, और पूरा फ्री ट्रीटमेंट होता है दवाइयों के साथ। इसके अलावा और हसन नगर में भी है, वहाँ पर भी 200-250 रोज लोग आते हैं, फ्री ट्रीटमेंट पूरा मेडिसिन के साथ होता है। रहा सवाल स्कूलों का, स्कूलों में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 9 स्कूल्स है पूरे, और करीब करीब 14 से 15 हज़ार करीब बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर स्कूल की फीस नहीं ली जाती और काफ़ी उनको भी सहूलत, किताबें, ड्रेस जो हो सकता बराबर अलहमदिल्ला कर रहे हैं। और ऐसा एक सर्वे किया गया है जहां पर ये मालूम किया गया कि क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बच्चियां क्या कर रहे हैं। मैं एक PhD स्कॉलर अपने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक लड़का आया था रिजवान अहमद, वो PhD का उसका थीसिस था कि स्कूल्स का एक टॉपिक था बच्चियों के लिए खास तौर पर, तो मैं उसको गाइड करी, गाइड करके तकरीबन काफ़ी बच्चियों को निकाली जो बच्चियां पढ़ के इंटरमीडिएट करके डिग्री करके काफी पेशे में गए और अच्छा कमा रहे हैं और अच्छा सेट रहे हैं। एक दिन पूरे मैं हॉस्पिटल में बुलाई पूरे बच्चियों को, वो बच्चे से इंटरव्यू कराई और उसका थीसिस कंप्लीट कराई। तो हम बोलना ये है कि सिर्फ हमारा के ये सुनहरा तेलंगाना है, गोल्डन तेलंगाना है, यहाँ पर पूरी यूनिटी एक साथ है, गंगा जमुना तहजीब है और हमारा जो काम है एक बेसिक लेवल से ग्राउंड लेवल से हो रहा है। हमारा जो काम है बिल्कुल छोटे छोटे, यानी कि हर गली में सदर है, हर गली में बूथ के तरीके से एक एक जिम्मेदारी लेके आपके दरमियान में अब रात के 2 बजे फोन करो, हमारे सदर उठाते फोन, सदर उठाते फौरी रिस्पांस देते, कोई समझ में नहीं आया हमको फोन करते, हमको समझ में, हम MLA साहब को फोन करते। तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करती और ना ही BJP करती है। और BJP के मसले में तो मालूम है, जब से 2014 से आई है वो काफी फसादात में ये मशहूर हो गई है, काफी फसादात में मशहूर हो गई है। जिस तरह 2015 में मोहम्मद अखलाक 52 ईयर्स का आदमी और पहलू खान वो भी अराउंड 50 का था, जो ये गौ रक्षक के नाम पे मार दिया गया, उसके अलावा भी जो है ना ये जय श्री राम बोलने के ऊपर से कम 30-35 लोगों को मार दिया गया है, जिसमें हमजा है, आमिर है, भोरी अली है, मुरसलीन है, आस मोहम्मद है, मुशर्रफ आकिल अहमद एंड हाशिम अली, आमिर अली और तबरेज अंसारी का तो जो झारखंड का था वो रिसेंटली किस्सा है 2019 का। और उसके अलावा भी आप लोग वो भी देख सकते हैं कि जो ना रिसेंटली जो ट्रेन में जो हैदराबाद के जो अपने बंदे को यहाँ से जो मारे थे, अब देखिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब के अलावा एक हिफाजत है अपने लोगों की कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई हादसा नहीं हुआ। हमारा आदमी जो है ना जाके वह ट्रेन में हुआ ट्रेन में हुआ, मगर यह किसी की हिम्मत नहीं हुई यहाँ पर कुछ हो रही है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि जो ना आप हम मंजिस को कामयाब बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिए, क्योंकि हमारा वोटिंग जो परसेंटेज है वो बिल्कुल कम है। पता नहीं लोग सिर्फ बात करते हैं मगर वोट डालने के दिन 12 बजे तक सो जाते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि सुबह जल्दी उठिए फजर की नमाज से और पहला वोट आपका डालिए और वोट डालने के लिए। और एक बात यह है कि हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद लेकर, और आज की शाम आई है बहुत ही खास, जो लेकर आई है जाफर हुसैन साहब मेरा साहब को यहाँ पर हमारे एरिया में
उम्मीदवार बनाकर, तो हमारे लिए बहुत किस्मत की बात है कि वो बहुत डेवलपमेंट वर्क कर चुके हैं नामपल्ली में, और इससे पहले डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, और यानी काफी अच्छा करियर रहा आप साहब का, और डेवलपमेंट के नाम पे काफी मशहूर है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा से अच्छा काम होएगा यहाँ पर, और आप लोग हम जुड़ के अच्छे से अच्छे ज्यादा से ज्यादा वोट ला के नंबर वन पोजिशन पे कामयाब बनाएंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टेज पे बैठे हुए हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब इज्जतदार हमारे जाफर हुसैन मेहरा साहब, या खुदपुरा इंचार्ज यासिर अरफा साहब, और हमारे कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स, बैठ के सुनने वाली अवाम, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और मेरे बहनों को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप सभी जानते हैं ये इलेक्शन का वक्त है, और हमें एक होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है भारी अक्सरियत से। और आप सभी ये भी जानते हैं कुछ महीनों पहले बारिश मुसलसिल होने की वजह से हमारे एरियों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से कुछ लोग तकलीफ में थे। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एरिया का दौरा कर कर हुकूमतों से लड़कर रिटर्निंग वालों का काम, तालाब कट्टे ब्रिज से लेके छोटे पुल तक रिटर्निंग वालों का काम मुकम्मल किया है, फिर छोटे पुल से लेके रेलवे स्टेशन तक रिटर्निंग वॉल्स का काम मुकम्मल किया है, और इमाम बाड़े में अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपयों की लागत से रिटर्निंग वॉल्स का काम हुआ है, ताकि हमें फिर से परेशानी का सामना ना करना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसिल 8-8 दिन बारिश होने के बावजूद भी हमारे अब परेशानी कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्निंग वॉल की तरफ से जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुकम्मल की है। हमारे एरिया में एक बॉक्स ड्रेन का काम चल रहा है, जो मौला के छिल्ले से होते हुए वो गंगानगर की ओर जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बॉक्स ड्रेन का काम मुकम्मल हो चुका है, हमारे मुर्तजा नगर से लेके धोबी घाट तक वो जाता है। ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारनामे और कामा। और मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ ही महीनों पहले अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने 2 ब्रिजों का इनॉग्रेशन किया था, और वो 2 ब्रिजों का नाम है, एक फूड ओवर ब्रिज और एक लंदन ब्रिज के नाम से मशहूर है, जो अजमत नगर से हो लेते हुए हाफिज नगर और धोबी घाट को जाता है। आज आप देखिए मेन रोड्स कितने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कितने चौड़े और कितने बड़े कर चुके हैं, और आज देखिए आप VDCC रोड याखुदपुरे से हो लेते हुए जो रेलवे स्टेशन तक जाती है, फिर रेलवे स्टेशन से हो लेते हुए एक्स रोड तक जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह आज गली गली सीसी रोड, SW ड्रेन, सीवरेज के लेंस डाले जा रहे हैं। ये हमारे कारने में पूरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से हो रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज वो बुजुर्ग बुजुर्गों से पूछिए, वो मेरी माओं से पूछिए, मेरी बहनों से पूछिए, जिस किसी को भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से पेंशन्स मिल रहे हैं, आज जो है सो जो कोई भी उम्र दराज है, आज उनको पेंशन्स दिए जा रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। जिसके घर में शादी हो रही है, उन लोगों के घर में जो कोई भी तलबगार है इस चीज का, उनको अल्हम्दुलिल्लाह शादी मुबारक के चेक दिए जा रहे हैं, कल्याण लक्ष्मी चेक दिए जा रहे हैं, हाल ही में दलित बंदी स्कीम में अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख रुपए दिया जा रहा था। ये सब असदुद्दीन ओवैसी साहब की जुस्तजू है, ना ये कभी हिंदू देखे, ना ये कभी मुसलमान देखे, ना ये कभी दिन देखे, ना कभी रात देखे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त आपके दरमियान में रह के कामों को अंजाम दे रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे भाइयों, आपको पानी की अच्छी से अच्छी सहूलत के लिए आज मिनरल वाटर प्लांट्स को कायम किया जा रहा है, वो मिनरल वाटर का प्लांट्स का नाम है सालार मिल्लत मिनरल वाटर प्लांट्स। आज आप देखिए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जा रही है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जा रही है। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से इमलीबन रैन बाजार डिवीजन इमलीबन में आज सालारे मिल्लत बोलकर एक गार्डन, एक पार्क
बनाया गया है और दूसरा पार्क या रेन बाजार चमन में अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है। ये है कारनामे। आज वो लेडीज, वो औरतों, वो बच्चों, वो फैमिलियों से पूछे कितनी सुकून के तौर पर अपने एरिया में जो है वो गार्डन्स में रह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कहकर के ये कहना चाहूंगा कि थोड़े वक्त पहले कोविड का वक्त चल रहा था, जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं हमारे यासिर अरफा साहब का भी शुक्र गुजार हूँ, दिन देखे ना रात देखे अल्हम्दुलिल्लाह जिस किसी की तबीयत खराब थी हॉस्पिटल्स में, जिसको एडमिशन्स लिया नहीं जा रहा था, जिसको दाखिल नहीं किया जा रहा था, यासिर अरफात से कभी मदद तलब की जा रही थी तो कभी हमारे एमएलए साहब से तलब की जा रही थी, जिस किसी को भी डॉक्टर्स की जरूरत है असदुद्दीन ओवैसी साहब एम्बुलेंस के साथ भिजाए जा रहे थे, जिस किसी को भी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ वो मौजूद हो रहे थे। ये हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब और जमात के कारनामे। जस्ट मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि 30 तारीख के दिन जमात को कामयाब करे, हमारे जाफर हुसैन मेहराज साहब को वोट दीजिए, पतंग को वोट देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। शुक्रिया। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, यही हाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। क्योंकि पहले हमारे पास नौजवान कायद यूथ आइकान यासिर अरफात साहब हमारे बीच हमारे नौजवानों के साथ थे, अब दूसरे जो है हमारे हल्के हाजा के उम्मीदवार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आने जनाब मुजरम मुकाम जनाब अलहाज जाफर हुसैन मेरा साहब मौजूद उम्मीदवार हल्के याकूतपुरा, मोहतरमा डॉक्टर समीना साहिबा, ब्रदर मुजफ्फर साहब मौजूद कारपोरेटर अब्दुल वासी शफाद शहाब, जनाब वाजिद अली खान साहब साबिका कारपोरेटर, डाइस पर बैठे दीगर मौजूद हजरात, मौजूद खवातीन, बुजुर्गान मिलत, नौजवान साथियों, जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि इंतखाबी जलसा है और यकीनन इंतखाबात के ऐलान के साथ एक तजस्सुस हो रहा था कि किस इलाके से किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। सदर मोहतरम नकीब मिलत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत ही सोच और फिक्र के बाद बेहतरीन उम्मीदवारों को हमारे दरमियान में उतारा है। एक उनकी सियासी बसीरत और हिकमत है कि उन्होंने हमारे दरमियान में जाफर हुसैन मेहरा साहब को हल्के असेंबली याकूतपुरे से आपका उम्मीदवार बनाकर भेजा है। आप जानते हैं कि हमारे दिलों में और जहनों में ये सवाल पैदा होता है नौजवानों के कि आखिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात में हिस्सा क्यों लेती है, इलेक्शन का मकसद क्या है और हमको सरगर्म सियासत में हिस्सा क्यों लेना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि 1958 के बाद अहिया ए मजलिस हुआ, रिवाइवल ऑफ पार्टी हुई, तो उसके बाद चार नुकात फखरे मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी अलैहिर्रहमान ने बनाया कि सबसे पहले हमको एक कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद किया जाए मुसलमानों को, और दूसरे उनकी तालीमी पसमानदगी को दूर किया जाए, और तीसरे उनकी माशी पसमानदगी को दूर किया जाए, और चौथा और अहम मसला यह है कि सरगर्म सियासत में हिस्सा लिया जाए। जब फखरे मिल्लत ने यह बात कही, पुलिस एक्शन के जुल्म के बाद मुसलमान डर खौफ के माहौल में थे, यही लातूर, उस्मानाबाद, बिदर, महाराष्ट्र, कर्नाटक के अंदर लाशें पड़ी हुई थी, बॉडियों में हमारी माँ और बहनों की इस्मतें लूटी गई और वो कूद कर खुदकशियां कर चुकी थी, महिलाएं लुट चुके थे, खेतियां उजड़ चुकी थी, घर खाली हो चुके थे, हमारे जमीनियां छीन लिए जा चुके थे, हमारी मुलाजमतें छीन ली जा चुकी थी, मुसलमान जो आला तालीम याफ्ता थे वो पाकिस्तान का रुख कर चुके थे ताकि उन्हें वहां पर आला ओहदे हासिल हो सके। लेकिन आपने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फखरे मिल्लत ने यही कहा कि हम सरगर्म सियासत में हिस्सा लेंगे और सियासत में हिस्सा लेकर अपने मसाइल को हल करेंगे। मैं मौलाना सैयद अहमद पाशा काजी साहब मोहतमद मोमी कोहिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और साबिक कारगुजर असेंबली अजनाब बिरादर रियाज़ अल सरफदी साहब का एमएलए साहब का जलसे का इस्तकबाल करता हूँ। तो बहरहाल सरगर्म सियासत में हिस्सा लेने का मकसद ये है कि सरार मिल्लत कहा करते थे कि हम जुल्म सहने के लिए नहीं बल्कि जुल्म का मुकाबला करने के लिए जमात बनाई गई है। आज आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर 2014 के बाद से किस किस्म से हमारे अंदर नए मसाइल पैदा किए जाते हुए जुल्म किया जा रहा है।
2014 में बाजी बीजेपी इक्तदार आने के बाद हमको घर वापसी के नाम पर मारा गया, लौजहाद के नाम पर मारा गया, वंदे मातरम वंदना सरस्वती कहा गया, सूर्य नमस्कार कहा गया, गौ भारत माता की जय कहा गया, और यही कहा गया हिंदी हिंदू हिंदुस्तान तुम जाओ पाकिस्तान, मुसलमानों के लिए दो ही स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान कहा गया। गिरिराज किशोर ने कहा कि इन्हें घर खरीदने के लिए जमीन ना दिया जाए। आज उन्हें कई शादियां और साक्षी प्राची लोग ये कहते हैं कि अपने घरों में तेज हथियार रखो, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। अगर बीफ खाना है तो पाकिस्तान चले जाओ, इस किस्म के जुल्म करते हुए आज मजालिम लाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी में योगी सरकार के पास आने के बाद वहां पर लाउड स्पीकर पर पाबंदी की बात की जा रही है, मस्जिद से लाउड स्पीकर को निकालने की बात की जा रही है, मदारस पर पाबंदी की बात की जा रही है। वहां पर अतीक अहमद उनके बेटे और उनके भाई का दिन दहाड़े एनकाउंटर कर दिया गया। वहां पर मुख्तार अंसारी के खानदान पर जुल्म किया जा रहा है, आजम खान के खानदान पर जुल्म किया जा रहा है, स्लॉटर हाउसों पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं, तरह तरह के मजालिम आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर ढाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस से हमारा मुकाबला है, ये 75 बरस में आज मुसलमानों जो तालीमी तौर पर पसमानदा है, फसादात तबाही बर्बादी गुर्बत रुसवाई बेरोजगारी आज जो मुसलमानों की है, ये कांग्रेस पार्टी की वजह से है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसी कौम को मिटाना है तो उसकी जबान को मिटा दो, आज सारे हिंदुस्तान से उर्दू जबान को मिटाया जा रहा है। ये इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, जब देखा कि गरीबी नहीं हटाई गई तो कहा गरीबों को ही मिटा दिया जाए। लिहाजा अहमदाबाद जमशेदपुर सहारनपुर भागलपुर फसादात हराबाद के अंदर भिवंडी के अंदर करवाए गए और हमारी बस्तियों को उजाड़ा गया। फिर उसके बाद 1975 में पुलिस इमरजेंसी नाफिज की गई, फैमिली प्लानिंग जबरी नजबंदी मुसलमानों की गई, तो गैर मामूली मुसलमानों पर मदारिम का सिलसिला जारी है। तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यही चाहती है कि अगर इसकी ऐवान बल्दिया ऐवान असेंबली ऐवान पार्लियामेंट में तादाद होगी, इसकी ताकत और कुव्वत होगी, तो ये सियासी तौर पर मुकाबला कर सकेगी। क्यों? कि जमहूरी मुल्क में उसकी बात सुनी समझी जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत है। सदर मोहतरम यूपी बिहार झारखंड महाराष्ट्र बंगाल और कर्नाटक फिरते हैं तो उसकी वजह यही है कि वहां के मुसलमानों को मुत्तहिद किया जाए, उनके अंदर विधायक बनाया जाए, उनके अंदर सियादत को पैदा किया जाए। यही वजह से मजलिस सरगर्म सियासत में हिस्सा लेती है। वहां तक तरक्याती कामों का मामला है, आप जानते हैं कि मजलिस मैदान अमल में काम करती है। जब लोग आकर सालार मिल्लत से पूछा करते थे कि सालार लोग आपको क्यों चाहते हैं, लोग जमात से क्यों वाबस्ता होते हैं, तो सालार यही कहते थे कि हम अमली जद्दोजहद करते हैं और मैदान अमल में रहते हैं और लोगों का काम करते हैं, लोग इसलिए हमको चाहते हैं। यही बात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असेंबली और कॉरपोरेटर्स के अंदर भी है। मौलाना सैयद अहमद पाशा खादी साहब ने तशरीफ फरमा है, 3 मरतबा का 4 मीनार से रुकन असेंबली रहे। सालार मोहतरम ने अपनी जिंदगी में दस्ते मुबारक से 2004 में आपको टिकट दिया, वहां करोड़ों रुपए के तरक्याती काम आपने करवाए। फिर याकूतपुरे में आप देख रहे हैं 5 बरस से मुसलसल आप तरक्याती काम करवाए। SNDP के तहत स्ट्रेटेजी नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो याकूतपुरे के सबसे बड़े नाले के मसायल हैं, रोड बैंडिंग डिसेंडिंग ऑफ नाला और उसके रिटर्निंग वॉल्स के काम पाचा साहब करवाए, CDVDCC रोड के यहाँ पे काम करवाए, कई तरक्याती काम बाकी है और इंशाल्लाह होंगे। फिर जाफर हुसैन मेरा साहब जो उम्मीदवार है, एक संजीदा सॉफ्ट स्पोकन शख्सियत है, तजुर्बा रखते हैं, इनके IAS IFS IPS ऑफिसरों से बेइंतहा अच्छे ताल्लुकात हैं, ये कॉर्पोरेटर थे, फिर डिप्टी मेयर बने, फिर 2 मरतबा नामपल्ली से MLA रहे और नामपल्ली के हलके के अंदर जहाँ पर कांग्रेसियों का घर रहा हमेशा से, वहाँ फिरोज गांधीनगर है, वहाँ चाचा नगर पार्क है, वहाँ पर इस किस्म के जब लोग जहाँ पे है आपने जाकर वहाँ काम किया, गुंडागर्दी करने वालों को दबा कर रख दिया और वहाँ मुत्तहिद होकर मजलिस का परचम को लहरा दिया। जनाब यासर अरफात साहब जो हमारे हरदिल अजीज कायद हैं, वो विरासत रसूल खान साहब के साथ 2009 में सदर सालार मिल्लत के हुक्म पर के हुक्म पर नामपल्ली में काम किए और उनको कामयाब किए। फिर 2014 जब आया तो जाफर हुसैन मेरा साहब को उम्मीदवार बनाया गया, तो फिर यासर अरफात साहब ने वहाँ पर शाना बशाना होकर आप दोनों ने वहाँ पर काम किया और गैर मामूली कामयाबी वहाँ पर हासिल की। फिर 2018 में कहा गया कि अरफात साहब आप याकूतपुरा जाइए, पाशा साहब का इलेक्शन है, तो वो यहाँ पर आए, आपके दरमियान में आए और 18-18 में 19 में MP इलेक्शन, फिर 20 में बल्दिया इलेक्शन में आपके दरमियान में है। हर नौजवान हर गली हर एक से वो वाकिफ है और हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। एक तरफ तजुर्बेकार जापू से मेरा साहब है, दूसरी तरफ यासर अरफात साहब हमारे साथ है, तो आपका इस वक्त काम ये है कि हम परसेंटेज ऑफ पोलिंग को बढ़ाएं,
मुत्तहिदा तौर पर हम ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करके मलिस उम्मीदवार को कामयाब बनाए। मौलाना सैयद अहमद ख्वाजा साहब की रियासत निगरानी और दुआएं भी हमारे साथ शामिल रहेगी और पेटस हमारे मैदान अमल में रहेंगे। हमको जरूरत है कि हम हर एक सर से कामयाब करें, क्योंकि जैसे जैसे इंतखाबात बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हालात में तब्दीली आती जाएगी। नित नए तमाशे, नित नए नाटकें की जाएंगी और नए नए लोग आपके दरमियान में आएंगे, लेकिन हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमें काम करना है और हम आगे बढ़कर काम करेंगे। कहीं दिल्ली से भी कांग्रेस के लोग आएंगे, बीजेपी के लोग भी आएंगे। आओ आओ, हम डरने घबराने वाले नहीं। हम ऐसे पुराने शहर के इलाके में रहते हैं कि हम कभी खिलौनों की आवाज सुनकर जवान नहीं हुए, बल्कि हम गोलियां, लाठियां और पुलिस की आवाजें और बचाव बचाव की चीखें सुनकर हम बड़े हुए हैं। हम हर हालात का मुकाबला करेंगे। कांच का बदन लेकर खतरों की बस्ती में तुम किधर चले आए, दिल जलों की बस्ती में खंजरों की झनकारें लोरियां सुनाती है, हमने घर बना लिया है कातिलों की बस्ती में। तो हम डरने और घबराने वाले नहीं है। हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो मसला घरों का मसला है। हमारी बहनें आज घरों की रसीदें ऑनलाइन लेकर फिर रही हैं कि 2 BHK मकान बनाया जाए, 2 BHK का मकान हमको दिलाया जाए। यकीनन सदर मजलिस कोशिश कर रहे हैं, हमारे अरकान असेंबली कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से उनको मकान दिलाया जाए, क्योंकि परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमारी तो उम्र गुजर गई किराए के मकानों में। आज यकीनन 60% मुसलमान किराए के घरों में हैं, हमें इस बात का एहसास है। जब दौरे में हमारे कायदीन जाते हैं तो खातून हाथ पढ़ के कहते हैं कि साहब हमको एक घर दिला दीजिए। आप अंदाजा कीजिए, एक टीचर की 7,000-10,000 तनख्वाह होती, अगर 5,000 किराए में चले जाएंगे तो वो क्या खाएंगे। जिन तमाम डेली वेजेस पे काम करने वाले आज जाती घरों के लिए परेशान हैं। इंशाल्लाह शाहजापुर से मेरा साहब काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, जो ज़मीनों का इंतजाम होगा यहाँ पर, कुछ 2 BHK के मकानों का रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा और यहाँ पर मकानात बनवाकर आपको दिलाने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। फिर आपने देखा हाल ही में ख्वाजा खाली साहब की नुमाइंदगी पर 1,00,000 रुपये कई नौजवानों को दिया गया है। अभी चक्स बने हैं, कुछ रुके हैं, वो भी इंशाल्लाह कुछ रिलीज होंगे, TRS गवर्नमेंट की जानिब से दिलाया जाएगा। हमारे कायदीन शादी मुबारक की स्कीम के लाखों रुपए के चक्स हमारे लोगों में तकसीम करते हैं, जो शादी के बाद जो कर्ज बाकी रहता है वो लोग वो कर्ज भी अदा करते हैं। तो बहरहाल मुख्तसर आप कायदीन मौजूद हैं, दीगर जलसे भी होंगे, तफसीलात आपके सामने रखा जाएगा। आपसे यही गुजारिश है कि 30 नवम्बर को पतंग के बटन पर निशान पर बटन दबाकर जाप उसे मेरा साहब को कामयाब बनाइए। जनाब अहमद पाशा खादरी साहब और मेरे छोटे भाई जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब एजेंसी और तमाम कारपोरेटर्स, साबिका कारपोरेटर्स, कायदीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो दहशत शिवामा है, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और पसपर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ माँ और बहनों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। आप आपको भी जानते हैं, आप अच्छे तरीके से वाकिफ है, क्योंकि वक्त की कमी है, ज्यादा टाइम नहीं लेता मुझे। मेरे गुरु अहमद पाशा खादरी साहब से भी 5 मिनट सुनना है, क्योंकि उनके जो मशवरे होते हैं, उनका जो खिताब होता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हमको उनको सुनना बहुत जरूरी है। मैं यही कहूंगा कि 30 नवम्बर को आपका इलेक्शन है, यानी आपके इम्तिहान का दिन है। आप 30 नवम्बर को अपना एक एक कीमती और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में दीजिए। मजलिस का निशान पतंग है, आप जरूर ब जरूर दीजिए, क्योंकि अक्सर ये हुआ करता है जब कभी भी इलेक्शन आता है तो हम लोग ये समझते हैं कि भाई पोलिंग के लिए हम क्यों जाए, आराम से हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा, इसके लिए हम आगे बढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कौन है आप बताइए, कौन हरा सकता है मजलिस को? ये गलत फहमी में मत रहिए आप। दुश्मन हमेशा नई नई चाल चल के आता है। अब आप खुद देख लीजिए कि हमारा अगर रास्त मुकाबला अब के इलेक्शन में किसी से होने जा रहा है या पूरा सीट के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी से होने जा रहा है, बीजेपी से होने जा रहा है। बीजेपी का एक ऐसा उम्मीदवार आपके दरमियान में आया है, आप जानते नहीं है उसके लिए कौन कौन सिफारिश कर रहा है, ये भी आपको नहीं मालूम है। एक वीरेंद्र यादव है जो RSS का कट्टर है, इसके लिए नागपुर से लोग आए हैं, गली गली बैठे हैं, कॉलोनी के अंदर बैठे हैं, मंदिर के अंदर जा रहे हैं, लोगों को तरकीब दे रहे हैं कि यही सोच के बता रहे हैं कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को हराने का एक मौका
आया है, क्योंकि इसको आप भराए नाउज बिल्ला ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अहमद पाशा खादरी साहब की तबीयत नासाज की तरफ से उन्होंने सदर मजलिस से कहा आपकी मर्तबा में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, किसी और मौजूद उम्मीदवार को दीजिए, तो सदर मजलिस ने मुझे भिजाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अहमद पाशा खादरी साहब के जो यहाँ पर कारनामे है और जो डेवलपमेंट के लिए है उसके लिए आप अच्छी तरीके से वाकिफ है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी साजिशें चल रही है, लोग हमारे वोट काटने के लिए आएंगे मगर आप हरगिज उसमें जाने का नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है हमारी जो लोग है, हमारे जो लोग जानते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से कितनी मोहब्बत करते हैं। हाँ हाँ, हम जानते हैं, अक्सर यही सोचते हैं कि हमारा अगर मुकाबिला है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का अगर मुकाबिला है तो वो फिरका परस्त ताकतों से है, हमारा अगर कोई मुकाबिला है तो वो हिंदुत्व से है, अगर हमारा कोई मुकाबिला है तो वो बीजेपी से है, आरएसएस से है, विश्व हिंदू परिषद से है, बजरंग दल से है, ऐसे तमाम फिरका परस्त लोगों से हमारा मुकाबला है, मगर हम क्या करेंगे, मजबूरी इस बात की है कि हमारे लोग ही हमारे लिए आते हैं। तो मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप अपना एक एक कीमती वोट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में दीजिए, मजलिस का निशान पतंग है, इंशाअल्लाह ताला आयोर जल्द से होते रहेंगे, तफसीली खिताब करता रहूंगा, आपका ये खादिम खिदमत के लिए आया है, इंशाअल्लाह ताला आखिरी दम तक आपका ये खादिम खिदमत करता रहेगा, चाहे एमएलए रहो, मेरी जमात जब तक भी मुझे मौका देगी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करूंगा, इसके अलावा अगर कोई ऐसी बात है तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद भी मैं या खुद पूरे की आवाम के साथ में हो रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जिस तरीके से पाशा खादरी साहब है, आज अल्लाह के फजल करम से पाशा खादरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह अगर एमएलए नहीं भी रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनका जो पावर रहेगा, इनके जो खिदमत का अंदाज रहेगा वो एमएलए से ज्यादा मजबूत रहेगा, उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से पहले था, ये मेरे बुजुर्ग है, ये मेरे बड़े भाई है, तो इंशाअल्लाह ताला कभी ना कभी आप ये नहीं सोचना कि अहमद पाशा खादरी साहब याकूतपुरे में नहीं है, अरे वो रहेंगे, वो यहाँ पर आएंगे, मेरे बाजू बैठेंगे और मुझे मशवरा देंगे आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, कि मैं जानता हूँ मैं नामपल्ली का एमएलए था, मुझे नामपल्ली की गली गली मालूम है, वहाँ के मसाइल मालूम है, मगर मुझे याकूतपुरे के लिए मुझे अहमद पाशा खादरी साहब से ही सीखना पड़ेगा और जनाब मुमताज अहमद खान साहब से मुझे सीखना पड़ेगा कि यहाँ पर काम क्या है और मुझे काम क्या करना चाहिए, मगर मैं आपको वादा करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपको जरूर बजरूर हम तीन है समझ के चलिए, एक नहीं तीन है, तीन के मशवरे से काम होगा तो अल्लाह सुबहानहु ताला बेशक बे इंतहा डेवलपमेंट लेके आएगा, मैं यही कहना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह आपको अहमद पाशा खादरी साहब से भी सुनने का है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे जाने से पहले ये कहना चाहता हूँ 30 तारीख को अपना कीमती और न सिर्फ मजलिस के हक में दीजिए बल्कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए, हमारी मिजाजें ऐसी हो गई है, अगर घर में चार लोग हैं तो दो जने डालते दो जने नहीं डालते, मगर मेरी अदबन दरखास्त है अपना एक एक वोट मजलिस के हक में दीजिए और पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जनाब अहमद पाशा खादरी साहब आपको मुखातिब करेंगे। शहरशीन पे तशरीफ फरमा जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब मजलिस उम्मीदवार हल्के याकूतपुरा व रुकन असेंबली हल्के नामपल्ली, जनाब अब्दुल वासे साहब मजलिसी कॉरपोरेटर, जनाब वजाहत अली खान साहब साबिक कॉरपोरेटर, जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब एमएलसी, जनाब शकील साहब साबिक कॉरपोरेटर, शहनशीन पे जनाब मुजफ्फर साहब संतोष नगर कॉरपोरेटर, वाजिद साहब साबिक कॉरपोरेटर। हाज़रीन किराम, वक्त का मैं सिर्फ इतना अर्ज करूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बचपन से काम करता आया हूँ, आज कर रहा हूँ, आइंदा भी करूँगा, मरे दम तक करूँगा, मुझे कोई ओहदे की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन रिज़वी साहब साबिक सदर मजलिस की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे टिकट दिया और उसके बाद तीन मरतबा नकीब मिल्लत असदुद्दीन रिज़वी साहब ने मुझे मौका दिया और हबीब मिल्लत की भी उनको ताईद हासिल थी, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 20 साल तक मुझे रुकन असेंबली की हैसियत से खिदमत करने का मौका दिया। आप इस हल्के में चार मीनार एक डेवलपमेंट एरिया है, वहाँ पे कामों को ढूंढना पड़ता था करने के लिए,
मेरा बजट आया तो एक एक जगह जाके देखता था क्या काम है, देख के कराता था। और याकूतपुरा बहुत था जहाँ कामा मेरे को ढूंढ रहे थे, यहाँ हर गली में काम था। और मेरी बड़ी हैबत खा गया कि इतने बड़े इलाके में जो जहाँ पर मसाइल का अंबार है कैसा होगा, लेकिन अल्लाह ने करम किया, बहुत सारे काम किए। सबसे ज्यादा खौफ तो मुझे ये जो वबा चली थी उस वबा बीमारियों के दौर में मैं बड़ा परेशान था, हर एरिया में तकसीम हो रहे थे लोगों के, गरीबों के लिए, यहाँ कैसा होगा। लेकिन अल्लाह का करम है, मेरा मेरी स्टडी मेरी दानिश में ये बात है कि 7 असेंबली हल्कों में सबसे ज्यादा अगर कहीं इमदाद दी गई है तो याकूतपुरा था। बहुत गरीब लोगों को इमदाद दी गई, उसमें एक जोक भी समझिए, वाकया भी, एक ACP संतोष नगर थे उस वक्त, एक जगह औरतें खड़ी हुई थी, मैं जब तकसीम करने गया तो ACP साहब हाथ पकड़ के कोने में ले गए, पाजा साहब एक बात तो मैंने बोलिए क्या है, ये जो औरतें खड़े हैं बात करते हुए, मैं जब से खड़ा हुआ हूँ, मैं इनकी बात सुन के गुस्से में भी आया, हंसी भी आई, ये क्या बात कर रही, अल्लाह के करम से इतना अनाज मिला अपने को 6 महीने तक अपन पेट के खा सकते। ये सुन के ACP साहब मुझे बोल रही, बहुत बड़ा इनको कई चीजों से कई जगह से इनको इमदाद मिली, ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए खड़े हुए लाइन में फिर लेने के लिए। मेरा अल्लाह का शुक्र मैं भी अदा करता हूँ कि अल्लाह मेरे हल्के के लोगों को तौफीक दिया। मैं एक पैसा किसी को तकसीम करने के काबिल जब भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ, इंशाल्लाह आपकी दुआ से आगे क्या हो सकता पता नहीं। लेकिन मेरे हल्के के जितने सरमाएदार लोग रोजाना वो किसी ना किसी मुकाम पर पैसे तकसीम कर रहे थे, अनाज तकसीम कर रहे थे, हर चीज तकसीम कर रहे, तो अल्लाह ने याकूतपुरे को एजाज दिया, 7 असेंबली हल्कों से ज्यादा तकसीम यहाँ की आवाम को की गई। बहरहाल ये आप लोगों का ताउन, आप लोगों की मोहब्बत है, और जलसे रहेंगे उसमें तफसील बताते रहूंगा। पतंग का निशान मजलिस का है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पतंग को ओढ़ दीजिए। अभी मेरा साहब जैसा बताया कि अपने ओढ़ती का परसेंटेज बढ़ाए, यकीनन बढ़ाना चाहिए, 24 घंटे काम करते हैं आपके हाथ से, एक दिन निकल के ओढ़ डालना कोई तकलीफ नहीं है, आप ओढ़ डालिए, हवा भराने नहीं, रुपया हाथ में, साइकिल का पहिया कीचड़ में, कमल का फूल हाथ को लग गई धूल, पतंग का देखो जादू हाथ को रखो बातों। मोहतरम आले मुकाम।